एक बार रेव करते हैं। और उसके शॉकर की बात करते हैं तो इधर देख सकते हो इसके अंदर गैब्रियल के शॉकर मिल जाते हैं जो कि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आज आपका स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 2024 की लेटेस्ट मॉडल जो कि आपके ये जावा की तरफ से, ठीक है ना। आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करें, 42 है, एक कॉपर कलर, बिल्कुल नया कंपनी ने लॉन्च किया है। इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ हम इस गाड़ी की डिटेल के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में। तो आपको सबसे पहले बैकग्राउंड एंजॉय करना है गाड़ी को पूरी बात, मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कंपनी ने क्या कुछ नया अपडेट किया 2024 के अंदर गाड़ी के अंदर, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको बैकग्राउंड एंजॉय करते हैं और आपसे जल्दी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए सबसे पहले गाड़ी को बैकग्राउंड एंजॉय करते हैं, गाड़ी कैसी है और किस पर्पज़ के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है, पूरी आवाज़ और उसकी प्राइस के साथ मैं आपको उस गाड़ी के बारे में बताऊँगा। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. तो अभी आप देख सकते हो 2024 के लेटेस्ट मॉडल है, कॉपर कलर बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और यूनिक लग रहा है। शायद आपको कैमरे में या शोरूम के अंदर खड़ी यहाँ पर अलग अलग तरह की लाइट जली होती है तो इस कारण आपको शायद इसका पूरा विजन ना चमक रहा हो, लेकिन बहुत ही सेक्सी कलर लग रहा है। अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट टायरों से, तो इसके अंदर देख सकते हो इसके जो टायर मिल जाते हैं ऑयल व्हील मिलेंगे जो कि ट्यूबलेस टायर है, और ISI मार्क की देख सकते हो ओरिजिनल की मोहर भी लगी हुई है और क्लासिक लेजेंड 42 पे लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं हम टायर साइज़ की, तो उसमें 90-90-18 का फ्रंट टायर मिल जाता है। डिस्क साइज़ की बात करते हैं तो 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि ABS के साथ मिलेगा। और उसके शॉकर की बात करते हैं तो इधर देख सकते हो इसके अंदर गैब्रियल के शॉकर मिल जाते हैं जो कि एक बहुत ही जानी मानी कंपनी के शॉकर होते हैं, बहुत ही हैवी ड्यूटी शॉकर है। बाइब्रिक के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि श्रेणी के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यूनिक स्टाइल इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया कंपनी ने। और इसके अंदर डुअल कलर के साथ फेंडर मिल जाता है जो कि इसमें पूरी गाड़ी मेटल में मिलती है, गाड़ी पूरी गाड़ी लोहे की मिलती है, सिर्फ ये इसमें फाइबर का लगा हुआ है, ठीक है ना। और ब्लैक कलर के इसके अंदर देख सकते हो ये ग्लास लगे हुए शॉकर के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जबकि टेलीस्कोपिक शॉकर मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो कंपनी ये आउटलाइन लगा के दी है रबड़ की, वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। सिंगल पीस इसके अंदर मड़गाट कर दिया कंपनी ने, पहले इसके अंदर ट्विन पीस के अंदर आता था। बात करते हैं हेडलाइट की, तो इसके अंदर देख सकते हो हेलोजन बल्ब के साथ 55-60 का बल्ब मिल जाता है जिसमें रात में बहुत अच्छा थ्रो है, और हेलोजन बल्ब के साथ इसके अंदर टर्न इंडिकेटर आते हैं जो कि व्हाइट शीशे के साथ येलो जलते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इधर से तो इसके अंदर देख सकते हो रेडिएटर मिल जाता है इसके अंदर जो कि यहाँ से आप इसको फिल करा सकते हो, और एक इधर यहाँ कैप मिल जाती है यूनिक के, जो कूलेंट है वो एक्स्ट्रा इधर फिल होता है इसका। जो चाबी है वो लेजेंड बाइक की तरह इसके अंदर यहाँ लगेगी, हैंडल लॉक करना हो तो वो इसका आपको यहाँ से हैंडल लॉक करना होगा, यहाँ पे इसकी मिल जाती है मेन इग्निशन स्विच मिल जाता है। इधर देख सकते हो इसके अंदर दोनों साइड को साइलेंसर निकलता है, सिंगल सिलेंडर बाइक है जबकि इसके इधर से भी साइलेंसर मिलेगा और उसका दूसरी साइड से मिलता है, ठीक है ना। ये गाड़ी के अंदर कूलिंग के लिए डबल फंक्शन दे रखा कंपनी ने, इधर देख सकते हो ये एयर कूल्ड के साथ साथ इसके अंदर फैन लगा हुआ है, रेडिएटर के साथ ऑयल कूल्ड भी गाड़ी है, यानी कि हवा से भी ठंडी होगी और प्लस रेडिएटर के साथ भी ठंडी होती है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ गाड़ी मिल जाती है, और इसकी इधर देख सकते हो यहाँ ब्रेकिंग पैडल यहाँ मिल जाएगा, और इसकी फोल्डेबल फुटरेस्ट मिल जाती है, और इधर पीछे की तरफ भी ये फोल्डेबल मिलेगी। पूरा इसके अंदर डल ब्लैक के साथ इसका साइलेंसर मिल जाएगा, पूरा इंजन भी इसका ब्लैक के साथ मिलेगा। और ये देख सकते हो ट्रीटमेंट इसके अंदर यहाँ पे भी डायमंड कट के साथ बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है देखने में। इधर देख सकते हो 42 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे अपना कुछ भी टूल बॉक्स थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, यहाँ पे चाबी लगती है इसके अंदर। बहुत ही हैवी ड्यूटी रियर स्विंग आर्म मिल जाता है, और पीछे का जो शॉकर है वो भी इसके अंदर गैब्रियल का मिल जाएगा जो कि इसके अंदर नाइट्रस मोनो सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पीछे डिस्क ब्रेक के लिए ऑयल फिल यहाँ होता है इसके अंदर, और पीछे का जो ऑयल व्हील है वो भी इसके अंदर देख सकते हो जावा की इधर बैजिंग मिल जाती है, आगे भी ऐसी मिलेगी, यहाँ पे जावा लिखा हुआ है। ओरिजिनल इसके ऑयल व्हील है जो कि इसके अंदर जो टायरों की साइज़ की बात करते हैं 120-80-17 का 1 इंच पीछे का टायर छोटा है क्योंकि क्रूजर सेगमेंट की बाइक है। पीछे के डिस्क साइज़ की बात करें 240 mm का मिलेगा ABS के साथ, बाइब्रेक का पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाता है सिंगल पिस्टन के साथ, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इधर से तो उसके अंदर देख सकते हो LED मशीन इसकी बैकलाइट मिल जाती है, और यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हो, और यहाँ रिफ्लेक्टिंग लाइट मिल जाएगी, इंडिकेटर इसकी सेम आगे की तरह मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ और दिखाते चलूँ इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हो साड़ी गार्ड कंपनी लगा दिया, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं लगा के दी, वो आपको अलग से या फिर बोल सकते हैं एसरीज के तौर पे लगवानी होगी। इधर भी देख सकते हो इसके अंदर
साइलेंसर मिल जाता है, और सेम इधर आपको मिलेंगे फुटरेस्ट। गियर की बात कर लेते हैं तो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिल जाती है, और यहाँ देख सकते हो ओरिजिनल जावा 1929 में स्टेबल हुई थी, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इधर से तो उसके अंदर देखो मेन स्टैंड इसमें आता नहीं, साइड स्टैंड यहाँ मिल जाएगा, कट ऑफ सेंसर के साथ मिलेगा। इधर देख सकते हो कुछ इस तरह का इसके अंदर साइड स्टैंड मिल जाता है, और 300 cc का इंजन मिलेगा इसके अंदर, जो कि एयर कोल्ड FI इंजन के साथ मिल जाती है। बात करते हैं इधर से तो इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे 42 की स्टेप के साथ बैजिंग मिल जाती है टंकी पे, ये भी बहुत अच्छी लगती है। 13.5 लीटर इसके अंदर पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप चाबी के साथ खोलोगे पूरी कैप की हाथ में आ जाती निकल कर। यहाँ देख सकते हो जो स्विचेस है इसके बहुत ही प्रीमियम क्लास के स्विचेस मिल जाएंगे यहाँ पे, इसमें हाई लो बीम इधर मिल जाएगा, इधर इंडिकेटर, यहाँ पर इसका हॉर्न मिल जाएगा। हॉर्न की आवाज़ एक बार मैं आपको सुनवा देता हूँ। पहले इसका मीटर दिखाता हूँ, इसके अंदर फुली डिजिटल मीटर कर दिया कंपनी ने आप जा, पहले इसके अंदर एनालॉग आता था, मुझे एनालॉग पसंद है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन होता है, इसमें गियर पोजिशन बताता है, टाइम बताता है, ट्रिप बताता है, एवरेज बताता है, इसके अंदर सभी कुछ लगभग आ जाती है। डिसेंट साइज का इसके अंदर हॉर्न है, आपको अगर अलग से कोई लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। और सिंगल हैंडल बार मिल जाता है, जिसमें आपको वाइब्रेशन कम होती है, प्लस राइडिंग जब गाड़ी को लंबी दूरी को चलाते हो तो उसका आराम ज़्यादा मिलता है। राउंडेड शेप में इसके अंदर देख सकते हो मिरर मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इधर किल स्विच स्टार्ट स्विच इधर मिल जाएगा, और ये हैजार्ड का स्विच इधर मिल जाता है, यानी अगर आपको 4 इंडिकेटर जलाना है तो कुछ इस तरह का जलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इधर देख सकते हो मीटर में भी शो हो रहा, यहाँ पर नीचे की तरफ इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगा। आइए इधर से दिखाते हैं एक बार गाड़ी के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ एक ही स्विच मिल जाता है, ये इसका क्लच मिल जाता है जो कंपनी इसके अंदर नॉन एडजस्टेबल दिया है, और यहाँ पर देख सकते हो पार्किंग बल्ब ये जला हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ इसकी, फिर आपको हेडलाइट भी दिखाता हूँ कैसी है। सबसे पहले हम इसका इंजन के बारे में बात करते हैं, फिर इसका हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, गाड़ी कैसी कुछ मिल जाती है, ठीक है ना। ये हमारी गाड़ी का मेन कंपार्टमेंट, अभी हम इसके इंजन के बारे में बात करेंगे। 300 cc का इंजन मिल जाता है इसके अंदर, जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, DOS इंजन मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतर इंजन है। बात करते हैं इसकी मैक्सिमम पावर की, तो 27.32 PS की पावर निकालता है। अगर हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम टॉर्क की, तो 26.84 मैक्सिमम इसका टॉर्क निकाल के देता है गाड़ी। और इसका जो पेट्रोल टैंक है 14 लीटर का मिलेगा, कंपनी इसका एवरेज क्लेम करती है 35 किलोमीटर का एवरेज क्लेम करती है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी राइडिंग एक बार के टैंक में दे देगा ये, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी बॉडी की, तो इसकी जो बॉडी चेचिस है वो किस हिसाब की मिलेगी, क्रूजर बाइक की इसके अंदर बॉडी मिल जाती है, जो कि डबल पेडल फ्रेम के साथ मिलेगी काफ़ी अच्छी राइडिंग के लिए। अभी हम बात करते हैं इसकी गाड़ी की डायमेंशन वाइज, यानी कितनी लंबी छोटी मिल जाती है अपनी गाड़ी। तो इस गाड़ी की अगर हम डायमेंशन वाइज बात करते हैं, तो इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 765 mm की मिल जाती है, यानी कि आप 5'4" की भी हो तो बड़े आसानी से चला सकते हो। वजन की बात करते हैं 172 किलो गाड़ी के अंदर वजन मिलता है, और इसकी व्हील बेस की बात करें 1370 mm का इसके अंदर व्हील बेस मिल जाता है, तो इसे बड़ी आसानी से कोई भी छोटी हाइट का बंदा मैनूवर कर सकता है और आसानी से गाड़ी को चला भी सकता है। तो आइए एक बार इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। इसकी पहले मैं कीमत बताता हूँ, मेरठ में इसकी ऑन रोड कीमत पड़ेगी आपको 236,000 रुपये ऑन रोड मेरठ के अंदर, ठीक है ना। आइए एक बार इसकी आवाज़ सुननी तो बनती है। जब तक इस गाड़ी का क्लच नहीं प्रेस होगा, इसमें गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। पहले हम इसको गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ये इसके आइडियल साउंड है, 1800 के आसपास निकाली गाड़ी। एक बार रेव करते हैं, तो गाड़ी की साउंड है काफ़ी हैवी और थंप वाइज आने लगी। पहले के मुकाबले गाड़ी थोड़ी सी इंजन के मामले में रिफाइन कर दी कंपनी ने, और इसके जो साउंड है वो पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा हैवी निकल के आ रहे हैं। तो गाड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर जाना। थैंक यू सो मच।